गए थे या सिर्फ मोहे मोहे करके गए थे? बस मोहे मोहे। किसने नहीं किया? हम तो पढ़वे नहीं किए थे, हमको पते नहीं है किसने। तो कहना वर्गा लिख दिए? पूरा आता था, आता था पूरा, तो वेट क्या किया फिर। थैंक यू। हाय गाइज, तो पहला एग्जाम का हम वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आज हम सेकेंड एग्जाम में पहुंच गए हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं फोर्थ और सिक्स का एग्जाम चल रहा, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का बीयू बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो चलिए उसका कुछ कुछ विवरण जानेंगे स्टूडेंटों से कि कैसा एग्ज़ाम गया, क्या गया, फैसिलिटी कैसा था, रिजल्ट कैसा था, क्योंकि उस दिन पहले ही फिफ्थ सेम का और थर्ड सेम का रिजल्ट आया है। तो चलिए जानते हैं। सही हुआ मेरा तो 70-70 आ जाना चाहिए वापस से लगता है। नहीं आया तब? नहीं आया, कोई बात नहीं है, आरटीआई फाइल होगा। ना ना ठीक है, मतलब 70-70 कहने का मतलब थ्योरी पेपर में अगर 50+ आ रहा है तो मतलब ठीक है, थ्योरी पेपर मार्क्स भी कटता है ना। पढ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्या है, थ्योरी पेपर है तो उसमें प्रीवियस ईयर अगर जो पढ़ लेगा तो उसको आइडिया लग जाता है क्या लिखना है क्या नहीं, तो आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। रेडियो होगा, हम नहीं जानते है ना, छोड़ो ना, लोकल प्रेस पे तो वही पहुंचेगा ज्यादा, इसका फ्रीक्वेंसी है। अरे ऑब्जेक्टिव ऐसा आया ना कि सबसे क्या बताए, सबसे एक भी पीवाई की नहीं रिपीट, बढ़िया से फाड़ दिया सबको। प्रीवियस ईयर से था क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस पास करने लायक तो था, लेकिन ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं था। एगो ऑब्जेक्टिव में आया था फिल इन दी ब्लैंक्स, जो कि वही सब बनाया है, बाकी कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं आया। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? ऑब्जेक्टिव। वैसे ऑब्जेक्टिव तो चार गो अथी भी था, चार गो ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यही तो आप पास कराएगा हमको। ऐसा बात है। पेपर आज था कौन? पेपर था डिजास्टर प्लानिंग एंड प्रिपेयरनेस। तो प्रिपेयरनेस से बहुत क्वेश्चन पूछा है, मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा है। बड़ी खुश लग रहे हो? नहीं खुश है, अरे गाली ताली दे दिए भाई, डेढ़ घंटा लिख के। अच्छा अच्छा, डेढ़ घंटा एमसीक्यू का वेट किया। अच्छा अच्छा, अब फिर भी हमको नहीं बताया कोई, कोई नहीं बताया? नहीं। अरे अपने मन से पास हो जाएंगे, चलो पास हो जाएंगे, अभी धमका का रहे थे। अरे धमका रहे थे कि मास्टर सब पगला हो गया सब, घर आधा घंटा दादी, आधा घंटा या 15 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट देखे गए, 5 मिनट में हो गया। 5 मिनट में कितना नंबर आ जाएगा पता नहीं। मुंह काहे छुपा रहे हैं, मुंह काहे छुपा रहे हैं? चाय पीने जा रहे हैं। अच्छा चाय पीने जा रहे हैं। पेपर देख कैसा लग रहा है, बैग पेपर देखे? बहुत खराब लग रहा है। अच्छा, बहुत लोग से हम सुन रहे हैं ना कि बैग में भी बैग लग सकता है, आपका वैसा नहीं ना? मेरा भी लगेगा, कंफर्म? कंफर्म है, 100%। हाँ 100% कंफर्म है कि बैग में अंदर का फैसिलिटी वगैरह बहुत टाइट है, बहुत टाइट एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट बेंच पे पड़ा था, बैग में बैग लगेगा। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, काहे खुश लग रहा है? अरे सब मोए मोए हो गया, जिंदगी का मोए मोए चल रहा है, दिन रात मोए मोए देखिएगा, जिंदगी का मोए मोए नहीं होगा तो क्या होगा। अरे बहुत दुख है, लेकिन जिंदगी में बहुत दुख है, क्या बोले अब, एक भी क्वेश्चन ना ही पीवाईक्यू से टकराता है ना ही कुछ। अच्छा, आदमी पास कैसे होगा प्रशांत बताओ तो? पास होगा पढ़ के। देखिए जो अभी ट्रेंडिंग रील सब चल रहा है उससे आदमी पास नहीं होगा कि वीडियो को प्योज करो, मोए मोए करो, इससे पास तो नहीं होगा। क्या लगता है पास होगा? नहीं होगा, लेकिन हम पास हो जाएंगे मोए मोए करते करते। ये सही है, आशा करते हैं कि आपका जिंदगी का मोए मोए ना लगे। क्या डिस्कस चल रहा है यहाँ? कोई डिस्कस गया ठीक गया। प्रीवियस ईयर से था क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर से था, एक साल ही तो प्रीवियस ईयर आया है, उसके पहले तो सिलेबस चेंज हो गया ना। अच्छा अच्छा, तो अंदर का फैसिलिटी वगैरह? फैसिलिटी फैसिलिटी क्या, पूरा तो टाइट ही रहेगा ना, फैसिलिटीज में क्या। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा था? बहुत टाइट था, टाइट था। तो इस पेपर जो भी पेपर था आज, उसके लिए आप कितना दिन तैयारी किए थे कि रात भर सिर्फ पढ़े थे? अरे एक दिन का तैयारी, सभी तो इंजीनियर आधा सर एक रात को तैयारी करता है। नहीं तो चलिए बेस्ट विशेष फॉर नेक्स्ट एग्जाम। तो जैसा कि आपने देखा कि हम बहुत सारे स्टूडेंट से विवरण ले चुके हैं, तो सबका कहना था कि अंदर फैसिलिटी जो था एकदम उतना अच्छा नहीं था, और एग्जामिनर बहुत ज़्यादा टाइट था, सीटिंग अरेंजमेंट हार्ड था पूरा। और फिर इस बार भी हर बार क्या था, ऑब्जेक्टिव ज़रूर रहता था, पर इस बार क्या किया ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं है। और फिर प्रीवियस ईयर भी इस बार नहीं कर रहा, आधा ज़्यादा स्टूडेंट बोल रहे थे कि हम गए थे प्रीवियस ईयर देख के, पर प्रीवियस ईयर से पूछ ही नहीं रहा, पिछले एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा था, इस एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा। बहुत लोग का तो बैग में बैग लगने का उम्मीद है,
तो चलिए ठीक है, अगला एग्ज़ाम में फिर मिलते हैं। तब तक एग्ज़ाम का सारा वीडियो हम लाएंगे, पहला वीडियो छूट गया किसी कारण से। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।